हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दशहरा सबको। तो मैं सोकर उठ गई हूँ। मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया और 8:30 हो गए अब। मतलब मैं अलार्म बंद कर देती हूँ, तो जल्दी उठना था। मैंने सोचा है कि ब्रेकफास्ट में मैं पाव भाजी बनाऊँगी। दशहरा है, वो स्पेशल बनाते हैं। नॉर्मल खाना तो खाते ही रहते हैं ना, इसलिए तो मैंने आलू भी मतलब गैस पर रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। तो बस फटाफट से जा रही हूँ मैं नहाने, और उसके बाद आपसे बात करती हूँ और बनाते हैं फिर अपनी पाव भाजी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको। बस नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो पूजा भी कर ली है मैंने, अब फटाफट से पाव भाजी बनाने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फटाफट से चलते हैं किचन में। तो आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, और सुबह उठते ही मतलब नहाकर फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले लेती हूँ ये गर्म पानी। मैंने गर्म करके अपने कप में डाल लिया है, तो सबसे पहले मैं इसको फिनिश कर देती हूँ पीकर। और उसके बाद आलू भी मैंने बॉयल करके रख दिए हैं, बस मेरे को चॉपिंग करनी है और बस जल्दी से कुक करना है। और गाइस, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो पाव भाजी मैं बनाऊँगी ना, उसके लिए जो पेठा होता है, जो कद्दू होता है ना, जो पम्पकिन होता है वो भी डलता है, और वह सारी वेजिटेबल डलती है। तो क्या है कि मेरे पास जो पेठे की सब्जी मैंने पहले ही कल बनाई हुई थी, ठीक है, तो कल वो सब्जी बच गई थी रात को, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा बन गई थी तो बच गई वो सब्जी। तो फिर मैंने सोचा कि उसको यूज़ कर लेंगे। मैं यही करती हूँ पाव भाजी के लिए कि जो सब्जी बच जाती है मेरी वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्यों वेस्ट करनी, मतलब ठीक है ना यार, क्यों फेंकनी, किसी को क्या कुछ करना है या फिर जो भी है। तो मैं वो सब्जी को पाव भाजी में डाल दूँगी तो जल्दी बन जाएगा और ईजी हो जाए, तो टेस्ट ही बहुत बनती है। तो हो सका तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी, नहीं तो मैं खाती हूँ दिखा दूँगी सीधा। तो गाइस, मैं फटाफट से बता देती हूँ कि मैं पाव भाजी में क्या क्या डालने वाली हूँ, लंबा चौड़ा नहीं बताऊँगी, जल्दी से बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने चॉप करके रखा है ये एक अनियन, एक छोटा सा कैप्सिकम, 2 टमाटर, ठीक है, ये है 2 बॉइल्ड पोटैटो, मतलब अभी बॉइल करे थे, ये है वो पेठे की सब्जी जिसकी मैं बात कर रही थी, जो लेफ्ट ओवर है, जो रात को बच गई थी। तो ये 1 कटोरी पेठे की सब्जी, इसमें टमाटर वगैरह, लहसुन, अदरक जो भी होते हैं वो डला हुआ है, ठीक है। और ये है आलू बीन्स की सब्जी, जैसे कि हम बीन्स भी डालते हैं और आलू तो डालते ही हैं, तो ये दोपहर में बनाई थी और ये भी बच गई थी। तो आलू में है मेरे पास, यहाँ हल्दी है, ये है नमक, ये है गरम मसाला, ये है लाल मिर्च, ये है देगी मिर्च, और ये है पाव भाजी मसाला। तो इन सब चीज़ों से ही बनेगा आज पाव भाजी। और ये है कढ़ाई जिसपे मैंने सरसों का तेल जो है रखा था, और ये अच्छे से बिल्कुल हीट हो चुका है। और अब फटाफट से पहले डालेंगे हम अनियन वगैरह सब कुछ, और बेसिकली डालना सब कुछ है, और लास्ट में हमको इसको मैश करना है। तो फटाफट से मैं डाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें ऐड करूंगी नमक और हल्दी, मसाले मैं बाद में ऐड करूंगी जब मैं सारी सब्जी ऐड कर दूंगी। तो मैं पहले इसमें नमक डालूंगी, नमक आप अपने अकॉर्डिंग भी डालना, क्योंकि सब्जी में भी नमक था तो उसके अकॉर्डिंग ही डालना। और अब मैं ऐड करूंगी इसमें हल्दी, जो सब्जी आती ना ये ऐड करनी है, ये बीन्स वाली ऐड कर दूंगी, और इसमें हम ऐड कर देंगे ये बॉइल्ड पोटैटो, थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। इससे इजी आपको पाव भाजी कभी देखने को मिलेगी नहीं, और कितनी जल्दी बन गई, मतलब 2 से 3 मिनट में हमारी पाव भाजी बनके रेडी होने वाली है। अब हम ऐड करेंगे ये पाव भाजी मसाला और जो अदर मसाले हैं वो भी। तो अब मैं ऐड करूंगी इसमें ये लाल मिर्च और गरम मसाला और ये देगी मिर्च, थोड़ी सी करेंगे हम देगी मिर्च ऐड,
उसके बाद थोड़ी सी करेंगे हम लाल मिर्च ऐड, और थोड़ा सा करेंगे हम ये गरम मसाला। तो भाजी बनके बिल्कुल रेडी है, अब मैं सर्व करती हूँ उसको पाव के साथ। तो मेरी पाव भाजी बनके बिल्कुल रेडी है, ये मेरी भाजी, ये रहा मेरा पाव। पाव मैं ना थोड़ा भाजी तवे पे बटर डालती हूँ, थोड़ी सी भाजी डालती हूँ एंड देन उसको सेकती हूँ। और ये है अनियन, और ग्रीन वाली चटनी नहीं बनाई मैंने क्योंकि इतना टाइम नहीं था, टाइम बहुत हो गया और भूख लगी अब। और तो बस मैं इसको खाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है। तो पहले मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ कैसा बना है, खा तो मैं बाद में भी लूंगी, ठीक है। तो गाइज मैं आपको एक बार टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है, कि मतलब बच्चों की सब्जियों से भी पाव भाजी कैसी बनती है, एक बार बता देती हूँ, जेन्युइन रिव्यू बताऊंगी मैं आपको। अच्छा है, जैसे पाव आपकी भाजी होती है उससे थोड़ा सा, जैसे आपको पता ही नहीं बच्चों की सब्जी है तो 19-20 का फर्क आएगा, बट स्टिल अच्छा है, खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज मैं दोबारा आ गई हूँ और ब्रेकफास्ट हो चुका है और आज है दशहरा। तो वैसे कोरोना के चलते ना अब दशहरा और रामलीला नहीं सेलिब्रेट की जा रही जैसे पहले की जाती थी, और अब मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता, बट फिर भी हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे कि हाँ हम तो करें इस चीज़ को सेलिब्रेट। मेरे गले के बाहर छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो ना रावण बना रहे हैं। अरे मैं अभी आपको दिखाती हुई हूँ कि मतलब वो कैसे रावण बना रहे हैं, और रात को मैं उसी को ही देखूंगी, मतलब हमारे गले के बच्चे ना उसी को ही देखेंगे, कहीं नहीं जा रहे दूर, बस गले के बाहर अपने बालकनी से भी देख सकते हैं हम। तो मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये बन रहा है रावण, और आपको बहुत सारी वायर दिख रही होगी तो इससे क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, बट आपको जितना मैं दिखा सकती हूँ जूम करके दिखाई देना आपको। तो ये बच्चे रावण बना रहे हैं और ये खड़ा हो जाएगा शाम तक। तो मैं फिर आ गई हूँ मुँह उठाकर अपना, तो मैं फिर आ गई हूँ, और मैं बहुत लंबा सोई हूँ, आज मैं 2 बजे सोई हूँ और बस अभी उठी हूँ, 4:30 हो रहे हैं। तो कोई कैसा कुछ काम भी नहीं था आज क्योंकि एडिटिंग तो रात को ही होगी वीडियो बनने के बाद ये वाली, तो काम भी हो गया था, खाना वाना भी हो गया था, खा भी लिया, सब कुछ हो गया था घर का काम, तो फिर मैंने कहा सो जाते हैं आप, तो मैं सो गई। इतनी अच्छी नींद आई मेरे को, बहुत अच्छी आई। और गली में अभी 4:30 गली में जो रावण दिखाई दे ना मैंने आपको सुबह, तो अभी बस वो ना खड़े होने स्टार्ट हो गए हैं। हमारी गली में ना 3 रावण लग रहे हैं, एक आगे, एक बीच में और एक वहाँ एंड में, मतलब हमारी गली में 3 मतलब रावण लग रहा है। आप ये बोलो रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण, तो हमारा वाला रावण है क्योंकि हमारा बीच में लग रहा है, मतलब मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ इसको, लग सबके रावण रहे हैं। तो सबने बहुत मेहनत की है, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत बहुत हार्डवर्क किया है, दिन रात एक किया है रावण बनाने के लिए, और खुशी मिलती है इन बच्चों को और हमको भी खुशी मिलती है फिर देखकर। और वैसे भी कोरोना है, बाहर जाना नहीं है, तो गली के बाहर खड़े होकर देख लेंगे। तो बस मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बच्चे बना रहे हैं। ये देखिए गाइस, इसका जो पिंक कलर का फेस है और बीच वाला, आई थिंक बीच का मतलब ऐसे पार्ट होगा, और पता नहीं ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा अभी मेरे को। तो ये देखो बेचारे बच्चे बड़े सब मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। और एक और रावण दिखाती हूँ आपको, वो देखो ये रावण ही लेटा हुआ है, अभी आराम कर रहा है ये रावण, शाम को खड़ा होगा और राम जी आकर इसको फूंक देंगे। और एक वो खड़ा रावण, आपको ना बहुत सारी वायर दिख रही होगी, तो बस अब मैं क्या करूँ, मैं आपको थोड़ा जूम कर देती हूँ, वेट। ये देखो ये और रावण खड़ा है, रावण नहीं है ये रावण, इसको हम बोलेंगे मेघनाथ, ये मेघनाथ है, ये रावण बन रहा है। और वो देखो कुंभकर्ण अभी से ही आलसी है, अरे तो अभी से ही आलसी है, ये तो खाकर सो रहा है। अब मैंने आपको सब दिखा दिया, अब मैं आपको रात को दिखाऊंगी जब ये खड़े हो जाएंगे और इनको जलाया जाएगा, और अपने ना बालकनी से खड़े होकर दिखा दूंगी, नीचे ना भीड़ हो जाएगी बहुत सारी, फिर डर लगता है मेरे को ना, बम से बहुत डर लगता है, तो मैं नहीं जाऊंगी। और अभी बस मैं जो कपड़े हैं वो सुखा देती हूँ, ड्राई कर देती हूँ, और फिर पीऊँगी मैं चाय और मैक्रोनी खाऊँगी।
तो फटाफट से कपड़े ड्राई करने के बाद चाय बनाएंगे और मैक्रोनी बनाएंगे और उसको खा देंगे। ठीक, तो मैंने बना ली अपनी मैक्रोनी इन चाय। बस मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, आपको पीछे दिख रहा है ना, यहाँ पे ना मिरर लगेगा, अभी कुछ काम रहते हैं तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना आपको, बट इग्नोर इट। मैं आपको मैक्रोनी चाय दिखाती हूँ फटाफट। ये रही मेरी प्यारी प्यारी मैक्रोनी, और यहाँ रखी मैंने चाय। बस हमें फटाफट से मैक्रोनी और चाय खाऊंगी और अपना जो चला लिया मैंने कुछ, और इसको देख के इंजॉय करूँगी अपना दशहरा। तो ये रहा प्यारा सा हमारा रावण, और ये देखिए, और बस हमें नीचे जाऊंगी, भीड़ लग चुकी है, पूरी गली पूरी ब्लॉक है, यहाँ पर भी एक रावण है, और बस मैं फटाफट से नीचे जाती हूँ, और शायद नीचे ना भीड़ हो जाएगी तो मैं ऊपर आकर ही देखूँगी। एक तो वो जो मेघनाथ था वो तो फूक गया भाई, तो वो रहा मेरे पीछे, अरे वो रहा मेरे पीछे रावण, और मैं जाऊँगी नीचे फटाफट से, और भीड़ हो जाएगी नीचे तो मैं ऊपर आ जाऊँगी, ऊपर से ही हम देखेंगे सारा।